Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel and welcome to the much-awaited unsponsored review of the newly launched skincare brand Skin Renew. This brand is the byproduct of the much-awaited collab between Dr. V and the Dermaco. बहुत से लोग जो Dr. V को follow करते हैं, उनका content consume करते हैं, वो बहुत time से चाह रहे थे कि Dr. V अपने products को India में भी easily available कराएं, या फिर वो हमारे Indian skin के हिसाब से specially कुछ अलग से products curate करें ताकि उनकी expertise का फायदा हम भी उठा सके. लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पा रहा था. किसी को भी एब्सोल्युटली कोई क्लू नहीं था कि क्या चल रहा था. अंटिल जस्ट 1 month अगो वी ऑल गॉट टू नो अबाउट दिस कोलैब जो कि चल रहा था पिछले 1.5-2 साल से. इस पे काम चल रहा था अंडर द पाइपलाइन, जो कि किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था, जहाँ पे कि डर्माको और डॉक्टर वी दोनों ही अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस यूज करके इंडियन स्किन के लिए ये स्पेशल प्रोडक्ट्स क्यूरेट करने वाले थे, जिन्हें वो इंडिया में इसी महीने लॉन्च करने वाले थे. आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लकी क्रिएटर्स फ्रॉम दिस कंट्री that got a chance to be a part of this launch event and I'm really honored about it. Now कई लोगों ने पहले ही मन बना लिया होगा कि of course ये तो अच्छा ही बोलेगी products के बारे में because इसको invite किया गया था. Let me clarify one thing. सबसे पहली बात ये है, of course I'm really very honored and feel privileged that I was one of the very few people who were invited there, so I'm not going to deny that. मैं बहुत खुश थी. और दूसरी बात ये है कि जब कभी ऐसा कोई event होता है तो वो of course जिन लोगों के साथ वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, जैसे डर्माको के साथ मैं बहुत लंबा एसोसिएशन मेरा रहा है, तो वो ऑफ कोर्स इन क्रिएटर्स को इसलिए बुलाते हैं ताकि इससे एक तो हमें पता चले कि इस इवेंट में फाइनली कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा देख सकें, जान सकें, और एक इंटरैक्टिव Q&A सेशन भी होता है ताकि अगर हमारे कोई पॉसिबली क्वेश्चंस हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में, या फिर आप लोग जो पूछते रहते हैं जो डॉक्टर वी तक नहीं पहुंच पाता या ब्रांड तक नहीं पहुंच पाता, तो वो सब क्वेश्चंस भी हम उनको रेज करते हैं. तो ये एक इंटरैक्टिव इवेंट भी होता है और इसका मेनली ये पर्पज होता है कि जिससे लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि ऐसा कुछ मार्केट में आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स जैसे आपके घर में कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, तो जो भी गेस्ट आते हैं हम उनको लौटते टाइम कोई रिटर्न गिफ्ट देते हैं. तो उसी तरह जब सारे क्रिएटर्स भी इवेंट से लौट रहे थे तो जो लोग भी उसका हिस्सा बन पाए, क्योंकि दूर दूर अलग शहरों से लोग आए थे, तो उनको एक्नॉलेज करने के लिए वो अपने हैम्पर्स भी हमें देते हैं, जिससे हमें प्रोडक्ट की अवेयरनेस भी आती है. एंड दैट्स लाइक अ गुड जेस्चर, सो वी ऑल अप्रिशिएटेड दैट. बट इन नो वे दैट सर्व्स एज एन ऑब्लिगेशन फॉर अस टू डू अ वीडियो फॉर देम. ये एक पेड और स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, यहाँ तक कि आप इसको PR भी नहीं बोल सकते. दिस इज just like sending a hamper as a return gift क्योंकि हम event में गए थे, that's all. Otherwise हम पे कोई pressure नहीं होता है कि हम इन products के बारे में कोई video बनाएं वगैरह वगैरह वगैरह. So my main reason behind telling you this very long backstory is just for you to know what actually happened at the event और अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हो रहा है. तो in no way I'm under any obligation to do this video. तो ये video sponsored नहीं है, इसलिए मैं जो भी कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी. Okay, so on that note, without any further delay, let's start today's video. Total इस रेंज में उन्होंने 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और सभी में जो 2 चीज़ें कॉमन है, वो एक तो ये कि कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री हैं सारे प्रोडक्ट्स. यू गाइज नो, यू वुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम डॉक्टर वी. उन्होंने किसी प्रोडक्ट में कोई फ्रेग्रेंस नहीं डाली है. एंड नंबर 2, ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर इन्फ्यूज्ड विद द पावर ऑफ पेप्टाइड्स, विच इज अ बिग बिग प्लस. लेट्स स्टार्ट विद प्रोडक्ट नंबर 1, विच इज देयर पेप्टाइड एंटी पोल्यूशन फेस वॉश. जब भी मैं कोई फेस वॉश ट्राई करती हूँ, मेरे मेनली 2 क्राइटेरियाज होते हैं उसको जज करने के. नंबर 1 ये कि उसमें जो सर्फेक्टेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा हार्श हैं या फिर माइल्ड हैं, अल्कलाइन हैं, एसिडिक हैं, स्किन पे कितने हार्श रहेंगे. दूसरा ये कि पोस्ट वॉश जब स्किन ड्राई हो जाएगी तो उसको रिकॉम्पनसेट करने के लिए उसमें मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट्स कितने हैं. अब इसमें एक जो बात है कि ये फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट है, हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज इट्स अ वॉश ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं उतनी ज़्यादा उस बात पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि अनलेस इट इज़ टू मच इन अ प्रोडक्ट आई डोंट थिंक दैट इट्स मच ऑफ एन इशू. फेस वॉश ही है. लेकिन मेनली जो चीज़ मुझे उसमें देखनी थी वो ये कि उन्होंने जो नाम दिया है ये किस रीज़न से दिया है. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय एंटी पोल्यूशन फेस वॉश. इसमें एक्चुअली ऐसे कोई खास इंग्रेडिएंट्स हैं भी जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं टू कॉम्बैट द डैमेज कॉज्ड बाय पोल्यूशन. बिकॉज हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर पर ज़्यादा रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर ज़्यादा जाते हैं. तो जब हम बाहर पोल्यूशन में ज़्यादा जाते हैं, जो कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा वैसे भी है, तो ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनमें एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं जो आपके पोर्स को क्लॉग भी कर देते हैं और जिसकी वजह से आपको ब्रेकआउट्स भी होते हैं और प्रीमेच्योर एजिंग भी होती है. नाउ आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट दिस फेस वॉश इन पर्टिकुलर ऑफर्स यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 बेनिफिट्स. इसके क्लेंजिंग एजेंट्स भी बहुत ज़्यादा माइल्ड हैं जो सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं. इसमें बहुत सारे स्किन सूदिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं एंड इट इज़ ऑल्सो लोडेड विद अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, ताकि दिन भर के होने वाले पोल्यूटेंट्स को, इरिटेंट्स को स्किन से अच्छी तरह से क्लीन कर सकें और उसके बाद फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज को न्यूट्रलाइज भी कर सके। प्रोडक्ट नंबर 2 इज देयर पेप्टाइड हाइड्रेटिंग टोनर। टोनर्स दो तरह के होते हैं, एक एक्सफोलिएटिंग टोनर्स जिसमें एक्टिव्स वगैरह ज़्यादा होते हैं और एक होते हैं हाइड्रेटिंग टोनर्स जिसका मेनली पर्पज होता है आपकी स्किन को रिहाइड्रेट करना। अगर उस हिसाब से मैं देखूँ तो ये एक मेनली ह्यूमेक्टेंट बेस्ड टोनर है जिसमें बहुत सारे स्किन हाइड्रेंट्स और एमोलियंट्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग टोनर है जो कि आपके फेस पे जब रेडनेस हो जाती है या फिर आपको ऐसे लगे कि खिंचाव सा महसूस होता है, एक्टिव्स वगैरह यूज़ करने की वजह से आपको लगता है कि आपकी स्किन हैज़ लॉस्ट द मॉइस्चर रिजर्वायर्स एंड यू नीड टू रिप्लेनिश दैट, देन यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ये एक ह्यूमेक्टेंट बेस्ड टोनर है, बहुत सारे एमोलियंट्स हैं इसमें जो कि आपकी स्किन को रीसर्फिस करने में भी हेल्प करेंगे। जैसे इसमें D-panthenol, हाइलुरोनिक एसिड, एलोवेरा, नाइसिनामाइड, इसमें पेप्टाइड्स हैं ऑफकोर्स, फिर इसमें ग्लिसरीन, polyglycerin 3, then it is also very refreshing to see that they have put in coconut water in there as well जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, पेप्टाइड्स तो हैं ही, फिर इसमें और साथ में इसमें डेट पाम एक्सट्रैक्ट भी है जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो जो डेली बेसिस पे हमारी स्किन पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। देन कम्स द प्रोडक्ट जिससे मुझे सबसे ज़्यादा होप्स थी, एंड दिस इज देयर पेप्टाइड रेटिनॉल सेरम क्रीम। यूजुअली द पीपल हु हैव एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव स्किन दे अवॉइड यूजिंग retinol because they experience some irritation when they use traditional retinol formulations. ऐसे में formulating it with something as soothing as peptides is actually a very intelligent idea because that would allow a lot of us who are hesitant to use retinol to be able to reap the benefits of it without any risk of causing any irritation to the skin. और जैसे कि इसका नाम है सेरम क्रीम, तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है जो स्किन में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। इट्स नॉट सेरम, इट्स नॉट क्रीम, इट्स अ सेरम क्रीम, वेरी वेरी लाइट वेट। फॉर्मूला भी इसका काफ़ी बेनिफिशियल है बिकॉज एक तो ऑब्वियसली इसमें रेटिनॉल है तो दैट इज गोइंग टू एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ योर सेल टर्नओवर साइकिल जिससे आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ में अगर मैं पेप्टाइड्स की बात करूँ, इसमें पामटॉयल ट्राइपेप्टाइड 1 है और पामटॉयल टेट्रापेप्टाइड 7 है। Along with that, other emollients also that they have put in there, they are loaded with a lot of fatty acids as well. So मुझे ऐसे लगता है irrespective of your skin type, इसका formula सबको सूट करने के हिसाब से बनाया हुआ है, तो मुझे लगता है काफ़ी promising product है Indian skin care market में, which is a retinol based formulation which is non-irritating. So you should definitely try this. The next product is their barrier repair peptide moisturizer. This one is a beautiful moisturizer. Great ingredients, not heavy on the pocket, extremely lightweight consistency, and very very soothing ingredients. Everything that you expect a good moisturizer to do is in there. It has the ability to moisturize your skin, it has the ability to refix the damaged barrier of your skin, it also has the ability to brighten up your complexion. I am very happy with the formulation and especially the price point is super affordable. They have put in niacinamide, squalane, vitamin C, allantoin, centella asiatica and ceramides and peptides of course. So all of this combination will give you a very very healthy skin. Now comes the fifth and the last product from this range which is personally my favorite and a highly recommend from this range, and this is their peptide ABC skin exfoliator. First of all, let me decode this name for you, why they have named it ABC, because A stands for AHAs, B stands for BHA and C stands for vitamin C, and they have put in all of that in together here with the combination of peptides as well. So that makes it a very effective formula but at the same time very very soothing on the skin also. अगर मैं further इसको break down करूँ तो इसमें total 10% AHA है, 5% mandelic और 5% lactic जो कि काफ़ी gentle होता है, फिर इसमें 1% salicylic acid है BHA and फिर इसमें 2% vitamin C है और 1% है इसमें peptides, और एक नहीं इसमें multiple तरह के peptides हैं, oligopeptides, polypeptides, tripeptides, बहुत सारे different तरीके के variants इसमें use करे हुए हैं, तो it's not that it's just there for namesake. अगर मैं अपने experience की भी आपसे बात करूँ तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा बार यूज़ नहीं करा है अभी तक से, शायद मैंने इसको सिर्फ 2 बार लगाया होगा, बट एक चीज़ जो मैंने इसके साथ एक्सपीरियंस करी थी कि इसका इमीडिएट इफेक्ट दिखता है। लाइक अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें 1-2 दिन बाद कहीं जाना है और हम चाहते हैं कि स्किन हमारी थोड़ी सी स्मूथन आउट लगे, हम उस एक्सपेक्टेशन से केमिकल पीलिंग करते हैं, तो बाकी सबके हिसाब से मुझे लगा कि इसके साथ मुझे इंस्टेंटली वो फ़र्क देखने मिल रहा था। 15 मिनट्स बाद जब मैं इसे उतार के वॉश ऑफ करी थी तो फिर मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप लगा, मुझे बहुत सॉफ्ट और स्मूथन आउट लगा। सो आई फील दैट दिस हैज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म इंस्टेंटली ऑलमोस्ट। इंडियन स्किन केयर मार्केट में आई बिलीव के हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई अल्टरनेट है। अगर एक ब्रांड ने विटामिन सी निकाला है तो 10 ब्रांड में आपको विटामिन सी मिल जाएगा, 10 ब्रांड में आपको मॉइस्चराइजर, 10 ब्रांड में आपको टोनर मिल जाएगा, बट मैं जेन्युइनली ऐसा मानती हूँ कि इंडियन स्किन केयर मार्केट मार्केट में अच्छे स्किन एक्सफोलिएटर्स की बहुत कमी है। लाइक यू कांट इवन काउंट 10 ऑन योर फिंगर टिप्स। अगर आप सर्च भी करने बैठोगे आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट दे केम अप विद अ प्रोडक्ट लाइक दिस। आई फील इसकी नीड भी थी एंड दिस वन डेफिनेटली इज गोना गिव अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन टू दी अदर केमिकल पील्स इन द मार्केट। सो दिस वॉज माई ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट ऑल दीज प्रोडक्ट्स। लेकिन वीडियो क्लोज करने के पहले अगर मैं आपको अपना कोई अपनी तरफ से एक मस्ट हैव बताऊं, जो कि एक हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट बताऊं, जो मुझे लगता है अगर आप पूरी रेंज नहीं भी लेना चाहते तो जो एक या दो प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से आपको ट्राई करने ही करने चाहिए जो मेरे फेवरेट हैं, तो मैं आपको ये दो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करूंगी। ऑन नंबर वन देयर एबीसी एक्सफोलिएटर सीरम, जिसकी मैंने अभी अभी जस्ट बात की, और दूसरा प्रोडक्ट है उनका रेटिनॉल पेप्टाइड सीरम क्रीम। इवन देयर टोनर इज वेरी गुड बट आई डोंट फील दैट इट्स अ मस्ट हैव। तो अगर इन पांचों में से मुझे आपको कोई दो प्रोडक्ट्स एज मस्ट हैव्स या मस्ट ट्राई बताने हो तो आई वुड से these two are my favorites. All right you guys, this brings me to the end of this video. I'm gonna give the links to all these products in the description box just in case you want to have a look. And that's it for today's video guys. I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.